हैं मंडीदीप की, जहां मंडीदीप में खुलेआम सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों का उल्लंघन कर बायोमेडिकल वेस्ट को खुले में डाला जा रहा है और सरकारी अस्पताल से लेकर निजी क्लिनिक तक आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। जबकि बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण के लिए नियम कायदे बनाए गए और हैरत की बात यह है कि नियमों की पालन करने वाले पीसीबी अधिकारियों को ही इस गंभीर समस्या की परवाह नहीं है। ब्लॉक में सरकारी अस्पताल के साथ साथ 100 से अधिक प्राइवेट क्लिनिक है, जिसमें हर रोज लगभग 100 किलो बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है, लेकिन कहीं भी इसे डिस्पोजल करने की व्यवस्था नहीं है, लिहाजा इसे सफाई कर्मियों द्वारा अस्पताल के पीछे खुले में ही डाला जा रहा है। बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो अनेक प्रकार के संक्रमण को फैलाता है और इससे निश्चित रूप से बीमारियों को फैलने में सहायता मिलती है और इसका जो डिस्पोजल है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए और ये इंसिनरेटर में ये कचरा जो हम बायोमेडिकल वेस्ट जिसको बोलते हैं उसको भेजना चाहिए ताकि वो रिसाइकल हो जाए, वहाँ पर प्रॉपरली डिस्पोज हो जाए और उसके द्वारा से उपयोग नहीं कर सके और बायोमेडिकल वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोज नहीं कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी लेकुना है, कमी है ये, और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। चलिए इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में